सर्वनाम मैं करवा चुकी हूँ आपको। आज चलेगा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। क्या चलेगा? संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे ही इसका जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, संबंध। संबंध यानी वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम किसे दूसरे संज्ञा सर्वनाम से संबंध स्थापित करना ही आपके संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। दोबारा सुनिए, चल रहा है संबंधवाचक सर्वनाम। आपको यह पर बहुत लिखने में आ गया। संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए, जैसे कि वाक्य में शब्द से ही पता चल रहा है, वाक्य में आए एक संज्ञा सर्वनाम का दूसरे में दूसरे संज्ञा सर्वनाम से संबंध स्थापित करना क्या कहलाता है? आपका संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी एक वाक्य का दूसरे उपवाक्य से आपका एक उपवाक्य का दूसरे उपवाक्य से संबंध होना ही क्या कहलाता है? आपका सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का जिन सर्वनाम शब्दों का वाक्य में आए एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरे संज्ञा सर्वनाम से संबंध होना ही संबंध नाम सर्वनाम कहलाते हैं। एक संज्ञा एक जिन सर्वनाम शब्दों का वाक्य में आए एक संज्ञा सर्वनाम का दूसरे संज्ञा सर्वनाम से संबंध होना ही आपके क्या कहलाता है? सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे देखते हैं हम, जैसे कि ये जो होते हैं ये आपके दोनों शब्द आपके एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। एक किससे होते हैं? एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। जैसे जो वाक्य को शुरू करेगा वो मध्य में आपको उसको ख़त्म करेगा। यानी एक एक उपवाक्य जिससे शुरू होगा तो दूसरा उपवाक्य उससे शुरू होगा। जैसे जैसे जैसा वैसा जो सो जितना उतना
जितना उतना आदि। तो इन शब्दों का आपके जैसा वैसा जो सो जितना उतना आदि ये क्या है, आपके संबंध स्थापित करने वाले प्रमुख सर्वनाम शब्द हैं। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि कैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी एक संज्ञा का दूसरे संज्ञा से आपके स्थापित होना शब्द कहलाता है, उसकी भैंस। चलिए आगे देखते हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोएगा तो काटेगा, जो बोएगा सो काटेगा, जितना गुड़ उतना मीठा। ठीक है, तो एक उपवाक्य ये क्या है, आपका एक उपवाक्य का दूसरे उपवाक्य से संबंध स्थापित करना ही संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं हम प्रश्नवाचक सर्वनाम। हमने देखे थे सर्वनाम के भेद, देखे थे सर्वनाम के हमने भेद देखे थे कि सर्वनाम के आपके 6 उपभेद माने गए हैं। आपके संबंध आपके अनाप शनाप मैंने देखा था, आ यानी अनिश्चयवाचक, ना यानी निश्चयवाचक, पा यानी पुरुषवाचक, सा यानी संबंधवाचक, सनाप। अब देखते हैं हम पढ़ रहे हैं सनाप, यानी सनाप पढ़ रहे हैं, तो संबंधवाचक तो हमारा हो चुका है। अब आएगा आपका ना, अब आएगा आपका ना। निजवाचक सर्वनाम, चलिए देखते हैं निजवाचक सर्वनाम। निज यानी होता है अपना, स्वयं यानी जो वह संज्ञा शब्द या वह संज्ञा सर्वनाम शब्द जिनसे हमें अपना स्वयं का बोध हो, निज यानी अपनेपन का बोध होता है, वो निजवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आता है। चलिए परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले हम इसकी चलिए, निज का मैंने अभी बताया, निज यानी होता है स्वयं यानी अपना, निज का शाब्दिक अर्थ है अपना स्वयं, अपना या स्वयं। आगे देखते हैं वाक्य में प्रयुक्त तो
वे शब्द जिनसे वाक्य में प्रयुक्त वे शब्द जिनसे वक्ता द्वारा कहे कथनों का स्वयं पर ही प्रभाव पड़े। उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, यानी वक्ता द्वारा कहे गए कथनों का अपने स्वयं पर ही प्रभाव पड़े, उन्हें क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हम जैसे 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 स्वयं स्वतः अपने आप अपने आप खुद निज आदि शब्दों का प्रयोग होता है। वो क्या कहलाते हैं? आपके निजवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आएंगे। तो पुरुषवाचक जो सर्वनाम के हमने उपभेद पढ़े थे, आपके, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये भी इसी की श्रेणी में आएंगे। चलिए देखते हैं। पहचान इसकी पहचान उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष एवं अन्य पुरुष के लिए भी निजवाचक सर्वनामों का प्रयोग होता है। निजवाचक सर्वनामों का प्रयोग होता है। चलिए, ये हुआ आपका निजवाचक सर्वनाम। आगे देखते हैं हम प्रश्नवाचक सर्वनाम।
प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए आगे देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम देखते हैं। जिन संज्ञा सर्वनाम शब्दों से वे सर्वनाम वाक्य में आए वे शब्द विशेष जिनसे किसी प्राणी वस्तु स्थान व्यक्ति के संबंध में प्रश्न संबंधी हमें जानकारी मिले तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। दोबारा सुनिए, वे सर्वनाम जिनसे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान प्राणी आदि के संबंध में प्रश्न किया जाए वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम होता वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, तो ये होगा आपका, दोबारा सुनिए, वे सर्वनाम जिनसे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान प्राणी आदि के संबंध में प्रश्न किया जाए वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। चलिए आगे देखते हैं, जैसे कब कौन क्या कहाँ कैसे क्यों कैसे कब कौन क्या कहाँ कैसे किसे किसका कितना आदि समझने। तो ये शब्द क्या हैं आपके, आप देखो पहचान है ये यानी आपके प्रश्न में हमें प्रश्न सूचक चिन्ह तो मिलेगा ही, पहचान में यानी वाक्य के अंतर्गत अगर मैं पहचान दिखाऊं तो इसकी पहचान अगर दिखाऊं तो वाक्य समाप्ति पर प्रश्न सूचक चिन्ह आता है। वाक्य की समाप्ति पर प्रश्न सूचक चिन्ह आता है यानी हमें अगर हम वाक्य को देखेंगे तो प्रश्न सूचक चिन्ह तो मिलेगा ही, लेकिन हम देखेंगे तो वहाँ पर ये आपके इनका ये कब कौन क्या कहाँ कैसे क्यों किसे किसका कितना आदि ये शब्द जो आते हैं ना तो ये भी आपके वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आएंगे। आगे देखते हैं हम, जैसे उदाहरण
वह कौन खड़ा है? तुम क्या खा रहे हो? तुम क्या खा रहे हो? आगे तुमने कौन सी पुस्तक पढ़ी है? तुमने कौन सी पुस्तक पढ़ी है? ठीक है, दरवाजे पर कौन खड़ा है? तो ये वाला वाक्य तो मैंने आपको करवा दिया, तो आपके जहाँ ये सारे शब्द आते हैं तो वो क्या होंगे? और देखते हैं, तुम किस देश के नागरिक हो? तुम किस देश के नागरिक हो? आगे देखते हैं हम, तुम कहाँ रहते हो? तो यहाँ पर इस तरह के जो वाक्य आ रहे हैं ये सारे क्या हैं? आपके प्रश्नबोधक शब्द हैं। ये क्या हैं? सारे के सारे प्रश्नबोधक शब्द हैं। तो ये हुए आपके सर्वनाम, यानी हमने आज सर्वनामों को समाप्त कर लिया है। तो सर्वनाम से भी प्रश्न बनते हैं। हमने पढ़े अनाप सना, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्न पुरुषवाचक, और आपके संबंधवाचक, निजवाचक और आपके प्रश्नवाचक। सर्वनामों को हमने भलीभांति पढ़ लिया है, पहचान मैंने करा चुकी हूँ, उदाहरण देख चुके हैं। तो इनसे आपके जो सवाल क्वेश्चन आएंगे तो वो क्वेश्चन पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम। तो इन पे आए जो प्रश्न होते हैं आपके लास्ट ईयर में जो एग्ज़ाम पेपरों में जो प्रश्न बनते हैं उन पे थोड़ी सी रोशनी डालते हैं कि वह प्रश्न किस प्रकार आते हैं। तो सर्वनाम से संबंधित हम थोड़ा सा प्रश्नों को हल करने की कोशिश करते हैं। अभी देखते हैं